ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगड़ा टोली रांची। गिरिडीह जिला विधेयक सेवा प्राधिकरण की ओर से व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 72,558 मामलों का निष्पादन और 2,41,58,642 रुपया राजस्व के रूप में प्राप्त किया गया। तो इस लोक अदालत का क्या उद्देश्य है, अगर आप पेपर कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग के बिना सफल होना असंभव है। ये लोक अदालत अब तो एक प्रक्रिया बन गई है और ये तीसरी लोक अदालत है जो हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर वाद उस तरह के होते हैं जो कि छोटे मोटे मामूली वाद होते हैं, जो कंपाउंडेबल होते हैं, जिस प्रकार मारपीट का हो गया, गाली गलौज का हो गया, हल्के फुल्के चोरी के हो गए मामले, तो ये सुलह हो सकते हैं, ना कि इसको सालों साल आप मूंछ की लड़ाई बांध करके लड़ते रहते हैं। तो अगर माफ़ कर दें और इसको मान लीजिए मनी से कंपेंसेट किया जा सकता है, इलाज के पैसे वगैरह मिल जाएं, या कभी कभी क्या होता है आपस में रिश्तेदारों में ही गोतिया में ही हो जाता है कि गुस्से में इस तरह की वारदातें हो जाती हैं और उसके बाद ये काफ़ी समय तक चलता है। लोगों को मालूम नहीं रहता है कि ये सुलह हो सकता है और न्यायालय में आकर के अगर ये गवाही दें या केवल अपीयर होकर बोल दें कि हाँ हम सुलह करना चाहते हैं या हम इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि समाज में और आपस में अच्छा रिश्ता कायम हो सके, तो ये पुलिस प्रशासन की तरफ से भी एक उनको भी एक हल्कापन महसूस होगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट केसेस हैं, बैंक से आपने लोन लिया, लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो भागिए नहीं, आप आइए VLSA में आइए, यहाँ हम आपके लिए एक मंच प्रोवाइड करेंगे जहाँ आप और बैंक के बैंकर्स जो हैं वो बैठ करके समझौता करते हैं। समझौता क्या आपकी सुविधा के लिए वो काफ़ी रिबेट देते हैं जिससे कि उनकी रिकवरी भी हो सके और आपके ऊपर से कर्ज का बोझ भी हट सके। तीसरा है ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं तो भीड़ जमा हो जाती है कि धरना देना है, गाड़ियों को आगे नहीं जाने देना है, जाम कर देना है। इससे बेहतर है कि हमारे पुलिस पदाधिकारी अगर इस बात को जान लें कि DAR, IAR, FAR इनाम के जो हैं नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और लेकिन हाँ यहाँ गिरिडीह में इसका अभी तक किसी का विभाग से हमारे पुलिस पदाधिकारी पर नहीं जान रहे हैं और कर भी नहीं रहे हैं। तो अगर ये आता है डायरेक्टली एक ट्रिब्यूनल के पास आ जाती है रिपोर्ट, डायरेक्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट, तो उससे क्या होता है कि जो एक्सीडेंट केसेस को फाइलिंग में इतना टाइम लगता है वो भी नहीं लगेगा और ट्रिब्यूनल उस पर तुरंत एक्ट अपॉन कर सकेगा। लोक अदालत का जो आयोजन आज हो रहा है ये एक सांकेतिक एक इवेंट है बस, इसके पहले की जो मेहनत है वो हमारे ऑफिसर्स की हो, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स की हो, हमारे DLSA के स्टाफ की हो, और केवल कोर्ट के डिस्पोजल को लेकर के ही नहीं, DLSA हमेशा से जागरूक रहा है विभिन्न जो भी है लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने में, और हमारे रिस्पेक्टेड PDJ मैडम की गाइडेंस में मैं आपको बताते चलूँ, चाहे वो बालासोर का जो अनफॉर्चुनेट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि एक व्यक्ति को मृत मान लिया गया था, उसमें DLSA के सहयोग से ना केवल उसको ट्रेस किया गया बल्कि उस लड़के के फैमिली वाले से उसका कॉन्टैक्ट कराया गया। अभी जो एक और दुखद वाक्य हुआ था बाबा सम्राट बस एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें भी DLSA ने एक बहुत एक्टिव रोल अपना प्ले किया है और जो भी हो सकता है लीगल एड देने में, फिर चाहे वो क्लेम केस फाइल करने में उसने हेल्प किया है। स्पेशल मीडिएशन ड्राइव का आयोजन अभी चल रहा है, सितंबर लास्ट तक उसका आयोजन होना है, और इस लोक अदालत के तुरंत बाद एक स्पेशल ड्राइव फैमिली कोर्ट का भी चलेगा जो कि मैम की गाइडेंस में और रिस्पेक्टेड फैमिली जज की गाइडेंस में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो पारिवारिक वाद है उनका निपटारा हो।
मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।